अभी यहाँ पे हम दो क्वेश्चन है, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है। दो क्वेश्चन है इसमें कन्वर्ट का। पहला लिया है कन्वर्ट करना है आपको साइक्लोपेंटेन टू साइक्लोहेक्सेन, एक क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड आपको दिया है ब्यूट वन इन टू एडिपिक एसिड। आपको दो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, आपको दोनों क्वेश्चन पहले ट्राई करने हैं। फर्स्ट वी ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन एंड देन चेक सॉल्यूशन। लेट्स कम ऑन फर्स्ट बिट हियर। पहला बिट क्या आपको दिया है, साइक्लोपेंटेन से आपको निकालना क्या है, बनाना क्या है, साइक्लोहेक्सेन। आपको यहां पर रिंग एक्सपेंशन करना है। तो एक तरीका होता है रिंग एक्सपेंशन करने के लिए कि पहले हम टारगेट करते हैं साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल को बनाएंगे इसमें। इसका अगर हम करते हैं रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट। पहले स्टेप में हमने इसका ऑलरेडी पढ़ा है मैकेनिज्म। यहां पर बनता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, मेजर प्रोडक्ट बनता है बाय रिंग एक्सपेंशन दे विल फर्स्ट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। और फिर हम सेकंड स्टेप कराएंगे इसमें किसमें, आफ्टर दैट गेटिंग साइक्लोहेक्सेन रिडक्शन कर देंगे H2PD के प्रेजेंस में तो आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन का फाइनली साइक्लोहेक्सेन। तो आपको इस कंपाउंड तक पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ये रिएक्शन ऑलरेडी पड़ चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। आपका 5 मेंबर रिंग होता है, दे अंडरगो एक्सपेंशन बिकम 6 मेंबर रिंग। अगर आपका डाउट है तो अगेन गो फॉर द थ्योरी पार्ट, वहां पे आपका ये रिएक्शन मेंशन है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, तो हमारा पहला एम होता है इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी है अगर हम खाली उनको अप्लाई करते हैं तो भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे करेंगे। देखिए, इसको हमारे पास रिएक्शन में करने के लिए पहले एल्केन होगा या आपके पास साइक्लोएल्केन, एक कॉमन रिएक्शन होगा हैलोजनेशन। ध्यान रखो क्वेश्चन में कभी भी आपको मिलता है एल्केन या साइक्लोएल्केन तो स्टार्टिंग रिएक्शन क्या होगा, हैलोजनेशन इन सनलाइट। आप वहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या जाएगा इसमें हैलोजनेशन सनलाइट में करने पर, ये आपको देगा पहले ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। आपका कुछ नहीं, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म HBr लॉस करता है, ये हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड होगा। अब इससे हमको ये पहुंचना है तो इसके लिए डिफरेंट हम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। एक तो स्टेप क्या होगा, अगर हम रिएक्शन करते हैं इस कंपाउंड का एक्वस के ओएच में तो क्या आपको देगा कंपाउंड, यहां पर OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस Br नेगेटिव आयन इन द रिएक्शन और आपको देगा अल्कोहल। इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या देगा, ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेशियम बाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, एक होता है PCC पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अल्कोहल में हम बताएंगे बारे में इसमें। और भी फिलहाल ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन कैन बी डन बाय यूजिंग इवन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है काम, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या देगा ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल देंगे ऑक्सीडेशन करने पर इन प्रेजेंस ऑफ KNO4 कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अब क्या हुआ, एक कीटोन आ गया इसमें, इसका हम रिएक्शन करते हैं किससे, एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं विटिंग रिएक्शन, हीटिंग विद CH3 CH2 डबल बॉन्ड C सॉरी CH2 डबल बॉन्ड PPH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हैलाइड्स। व्हाट दे गिव इन द रिएक्शन प्रोडक्ट, मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन। फिर इससे हम इस कंपाउंड को ला सकते हैं, एक रिएक्शन आप पढ़े होंगे इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय रिएक्शन कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके हेल्प से हम इस कंपाउंड से ये कंपाउंड ला सकते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मींस पहले हमारा स्टेप था B2H6 सॉल्वेंट THF, देन सेकंड स्टेप टेकन इज ऑक्सीडेशन बाय H2O2 OH नेगेटिव आयंस। एक हमारा मेथड होगा ये वाला इस क्वेश्चन को करने के लिए। और भी तरीके इसमें है, अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं लेट्स से विद KCl तो यहां पर क्या, Cl नेगेटिव आयन डिस्प्लेस Br नेगेटिव आयन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो क्या आपको देगा CN ग्रुप। अब CN को हम करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये आप रिएक्शन पढ़ेंगे अगर टेंशन मान लीजिए बहुत ज्यादा अभी नहीं होता तो COOH। यहां पे कंपाउंड हुए साइनाइड्स अल्काइल साइनाइड्स, इन द रिएक्शन व्हेन हाइड्रोलाइज दे प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर क्या होगा ऑक्सीडेशन, इसका हम रिडक्शन कर देंगे यहां पे किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वी कांट यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो क्या आपको देगा कंपाउंड यहां पे CH2OH आपका बन गया कंपाउंड। फिर इसके बाद तो हमारा सेमी सीक्वेंस है, और क्या होता है इस रिएक्शन में, इसका हम अगर रिडक्शन करेंगे पहले विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहां पर CH2NH2। फिर इसका हम रिएक्शन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO2, ये हमारा प्रॉपर्टी है प्राइमरी इवेंट्स का कि प्राइमरी इवेंट्स ऑन ऑक्सीडेशन और ऑन रिएक्शन HNO2 दे विल प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। तो आपका अल्कोहल बनेगा रिएक्शन में, अल्कोहल के बाद अगला स्टेप्स ऑफ सेल आपके हैं, अब जानते हैं इसको है, ठीक है। तो ये वो हमारा एक पहला वाला बिट हो गया। अब आते हैं सेकंड बिट पे, नाउ वी कम ऑन सेकंड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ मींस कन्वर्जन ऑफ ब्यूट 1 इनटू एडीपिक एसिड। कैसे करें इसको कन्वर्जन को, यहां पर देखिए हमारे पास कंपाउंड दिया है ब्यूट 1 इन CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इससे रिक्वायर्ड क्या प्रोडक्ट हमारे पास है एडीपिक एसिड। व्हाट इज एडीपिक एसिड, इट इज कॉमन नेम इज एडीपिक एसिड, अदरवाइज इट इज हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। व्हाट इज द कंपाउंड प्रोडक्ट, आईबीएस नेम हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड, ये कॉमन नेम होता है इसका एडीपिक एसिड। तो इसमें कैसे इसको कर सकते हैं कंपेरिजन को, देखिए इसमें क्या होता है हमको क्या, इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन है, हमें यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर C बढ़ाने हैं 2, यहाँ पे 6 कार्बन है, इसमें यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन एटम दिए हैं, 6 कार्बन एटम दिए हैं, तो इसमें से 2 C को कैसे बढ़ाना है पहले इसको सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें कॉमन तरीका होता है कि अगर हम इसको रिएक्शन करते हैं, जो काफी कॉमन मेथड हो सकता है कि इसका हम रिएक्शन करते हैं पहले NBS से। व्हाट इज रोल ऑफ NBS, इसका नाम क्या है NBS का, एन ब्रोमो सक्सेमाइड, इसका रोल क्या होता है रिप्लेस अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन बाय ब्रोमीन एटम्स। तो पहले अब इसको हटाएंगे, ये आपका दिया है अलाइलिक पोजीशन, यहां से हम क्या करते हैं रिप्लेस वन एच बाय ब्रोमीन, तो CH3CH BrCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। अब इसका हम रिएक्शन कर देंगे एल्कोहलिक KOH से, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, प्रोडक्ट बिकम ब्यूटाडाइन। इसको हम अगर लिखना चाहते हो नाइट इन दिस फॉर्म, फिर एक रिएक्शन आप पढ़े थे डायल सेंटर रिएक्शन, इसका हम हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ इथेन प्लस ब्यूटाडाइन, यहां पर रिएक्शन का नाम था डाइल्स एल्डर रिएक्शन। बाय दिस डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या आपको देगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर, इन द रिएक्शन गेट प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन, और फिर इसको हम हीट कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इट कन्वर्ट टू दिस वन, हो गया। यहां पर CH है तो CH से बनेगा COH, यहां पर CH था तो दैट बिकम COH, तो दो CH के हो जाएंगे दो तरफ COOH COOH ग्रुप्स, ठीक है। ये ऐसे हमको ये क्वेश्चन करना था, हो गया। लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यहां पर है कि एक कंपाउंड हमको दिया है रिएक्शन के लिए, CH2Br, इसका हमने रिएक्शन किया पहले PH3P ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एंड देन विद ब्यूटाइल लिथियम एंड देन स्टेप थर्ड में हीट है, तो कैन यू टेल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये दिया है ब्यूटाइल लिथियम, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है ब्यूटाइल लिथियम। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए एंड ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट योरसेल्फ। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या होता है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा इसका रोल क्या होगा, इट अटैक एज न्यूक्लियोफाइल एंड रिप्लेस इन द रिएक्शन Br नेगेटिव आयन, तो क्या बनेगा Br नेगेटिव आयन को रिप्लेस करने के बाद यहां पर प्रोडक्ट बनता है इस टाइप का CH2, यहां पर बनेगा PPH3, पी बनेगा प्लस चार्ज, फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया सी को, तो क्या आएगा इसके पास चार्ज आएगा पॉजिटिव फॉस्फोरस के ऊपर, और यहां पर क्या आएगा CH2 आपका लगा रहेगा, तो CH2PPH3 बनेगा। उसके बाद क्या होता है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं,
यहाँ पे है ब्यूटाइल लिथियम। क्या रोल है ब्यूटाइल लिथियम का? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करता है? एसिडिक एसिड लेगा, यहाँ पर पी का क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट भी होगा, नेगेटिव आर भी हो सकता है, तो और क्या होगा, मोर रोड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर क्या बनेगा कंपाउंड, यहां पे सी एच एक एच चला गया, एक एच बचेगा, डबल बॉन्ड पी पी एच थ्री, दिस कंपाउंड बिकम हैलाइड ऑन वन साइड एंड सीओ ऑन अदर साइड। तो हीट करने पे क्या प्रोडक्ट, द रिएक्शन बिकम इंट्रामोलिकुलर, रिएक्शन बिकम इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन। तो क्या होगा उसमें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, और यहां से PPH3 और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट, यहां पर आपको बन जाएगा साइक्लिक कंपाउंड, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आएगा इस रिएक्शन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप इसमें मैं आपको आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहले हमने इसका यहां पर रखिए, पहले हमको बना, ये तरीका होता है हैलाइड बनाने के लिए कि पहले एक कंपाउंड होता है एल्कोहलाइड, उसका हम रिएक्शन करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से, फिर हम ट्रीट करते हैं ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में, तो सॉल्ट बनते हैं कंपाउंड को हम बोलते हैं हैलाइड्स, और फिर इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, देन दे कन्वर्ट टू एल्किन्स। अब इस केस में क्या है, सेम कंपाउंड के अंदर हमारा सीओ ग्रुप भी है और इसी के अंदर हमारा सी एच डबल बॉन्ड पी पी एच थ्री भी है, तो क्या होगा रिएक्शन में, हीट करने पर आपका रिएक्शन होगा इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको एग्जांपल क्लियर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक कंपाउंड दिया है आपका इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन किया HCl से। क्वेश्चन पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ट्राई करो पहले अपनी तरफ से एंड देन चेक सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखिए इसमें क्या है, जब पूछता है टोटल नंबर प्रोडक्ट्स, इसमें से आपको माइनर प्रोडक्ट भी लिखना पड़ते हैं और मेजर प्रोडक्ट भी लिखना पड़ते हैं, तो आपको सारे पॉइंट पर बात करनी पड़ेगी इसमें। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अटैक करना है हाइड्रोजन प्लस आयन का, क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू मेक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो आपका बनेगा ये वाला कार्बोकैटायन CH प्लस होगा CH3। अब क्या होगा इसमें, एक होगा इसमें हाइड्राइड ट्रांसफॉर्म, तो क्या बन सकता है इसमें, एक और पॉसिबिलिटी क्या होगा, आफ्टर हाइड्राइड ट्रांसफर दे कैन प्रोड्यूस ए टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये बन गया आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन बाय हाइड्राइड ट्रांसफर। यहां पर और पॉसिबिलिटी क्या है, रिंग एक्सपेंशन का, कि आपका यहां से रिंग एक्सपेंशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा इस पोजीशन से, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, वो अटैक करेगा सी प्लस के पास, तो क्या बनेगा इसमें, एक सिक्स मेंबर रिंग बनता है आपका, क्या बनेगा इसमें, ए सिक्स मेंबर रिंग। यहां पर प्लस चार्ज लगाएंगे तो यहां पर आएगा CH3। अगर आप नंबर ही करते हैं एटम का, तो ये कार्बन नंबर वन होगा, कार्बन नंबर टू, कार्बन थ्री पर आएगा प्लस चार्ज, कार्बन नंबर वन टू थ्री पर आएगा प्लस चार्ज, तो फिर आपका ये कार्बन नंबर आपका होगा 4 5 6 7, तो कार्बन नंबर टू एंड फोर अटैच होगा तो फोर यहां पर आपका आएगा इसमें। ठीक है, 4 5 6 7, कार्बन नंबर थ्री और सेवन आपका जुड़ा हुआ अभी भी है, फिर क्या होगा इसमें, एक बार ये बनेगा, फिर से एक बार होगा इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर, ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो एक बार फिर से होगा इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर, तो क्या बनेगा इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन ये वाला। अब इस रिएक्शन में कितने बनेंगे हमारे कार्बोकैटायन्स, इस रिएक्शन में फोर बन गए हमारे कार्बोकैटायन्स, तो फोर कार्बोकैटायन्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फोर प्रोडक्ट होंगे इसमें एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कंसिडर नहीं करने इसमें आपको है। ठीक है,
तो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन. इसमें कितना आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर? 4. आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी इनकट हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस CO2 गैस ऑन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज दैट इज रिएक्शन विद हॉट KNO4 आपको कंपाउंड दे रखे हैं. यहां पर लिखा है Butene, अगला कंपाउंड है Butene, आपका नेक्स्ट कंपाउंड है प्रोपाइन, आपका नेक्स्ट कंपाउंड है 2-methyl-butanoin, नेक्स्ट कंपाउंड है इस वन, नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया है इस केस में ये आपको दिया है नेक्स्ट कंपाउंड, अगला कंपाउंड आपको दिया है स्टाइरिन, इट है कॉमन नेम स्टाइरिन, और आपका नेक्स्ट कंपाउंड दिया है आपका पेंट टू आयन. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इतने कंपाउंड दे रखे हैं. पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन प्रोड्यूस CO2 गैस ऑन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन विद हॉट KNO4. आपका आराम से वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सोचिए एंड देन टेल द आंसर. ओके, नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट. देखिए आपको यहां पर रिएक्शन याद होगा एल्किन अल्काइन्स whichever a terminal can produce CO2 gas. तो कौन से आपका होगा? एक तो ये आपका देगा इसमें this can give CO2, this can give CO2, this also can produce CO2. यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CO2 इस वजह से, यहाँ पे देगा CO2 इस वजह से, it cannot give. तो we have how many compound in the given reaction series which are visible to you? 1, 2, 3, 4, and 5. We have 5 compounds which can produce CO2 gas on reaction of oxidative cleavage, that is reaction with hot KNO4. तो कितने होंगे? 5 कंपाउंड कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट ऐसे होंगे विच कैन गिव इन द रिएक्शन प्रोडक्ट CO2 गैस एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिडक्शन रिएक्शंस, सिलेक्टिव रिडक्शंस. अगर हम करते हैं, मान लो हमको एक कंपाउंड दिया है इस टाइप का, दिस क्वेश्चन आल्सो कैन बी गिवन एज पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. This compound of 4 benzene rings, let's say ring number 1, 2, 3, 4. You have 4 rings in the compound. Question diya hai on addition of 1 equivalent of hydrogen, which ring is reduced, which ring benzene ring or ring is reduced and what is product of reaction. आपको ऑप्शन मिल सकता है प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं. तो इसमें कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है हमको, एक बार आप सोचिए अपने आप. देखिए इसमें क्या होता है, हमको सोचना होता है कि अभी इसमें क्या आपको दिख रहा है, वी आर सीइंग 1, 2, 3 एंटी एरोमेटिक रिंग्स. हमको क्या दिख रहा है इसमें? 3 एंटी एरोमेटिक रिंग्स. तो इसको हम रिडक्शन ऐसे करते हैं कि हमारे एंटी एरोमेटिक रिंग्स का नंबर खत्म हो जाए या कम से कम हो जाए. तो यहां पर हम मिडल रिंग को रिड्यूस कर देंगे. यहां पर ऑन रिडक्शन ऑफ मिडल रिंग्स
यहां पर अगर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया डेफिनेटिविटी कैटलिस्ट प्लैटिनम, तो प्रोडक्ट क्या आएगा रिएक्शन के अंदर, जो हमारा मेटल रिंग है उसी को खाली रिड्यूस कर देंगे। उससे आपका एडवांटेज क्या होगा कि इसके साथ में हमारे तीन एंटी एरोमेटिक रिंग्स हैं वो भी रिड्यूस रहेंगे, दे विल नॉट रिमेन एंटी एरोमेटिक नाउ। देखिए यहां पे आपको बचेगा प्रोडक्ट ये वाला और तीन एरोमेटिक रिंग आपके अभी बचे हुए हैं। हमको कोई सा भी एक रिंग को रिड्यूस करने के बाद क्या आएगा प्रोडक्ट में, तीन एरोमेटिक रिंग बचेगा चार में से। लेकिन यहां पर क्या है, हमने इसको रिडक्शन करने के बाद एक तो रिंग रिड्यूस किया लेकिन साथ में क्या कर दिया, तीन एंटी एरोमेटिक रिंग को भी रिड्यूस कर दिया इधर से, तो चेंज होगा प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्शन के अंदर ये होगा हमारा प्रोडक्ट और रिंग नंबर टू विल बी रिड्यूस। तो इसमें क्या आंसर हुए, रिंग नंबर टू इन द रिएक्शन इज रिड्यूस एंड देन दे कैन गिव दिस प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हम थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं इस बार। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, यहां पर मैंने तीन क्वेश्चन लिखे हैं, आप तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आराम से। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ देन चेक सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सी पर एक एच है, मिथाइल है, एच डैश पे है, मिथाइल वेज पे है, अल्काइन ग्रुप है, एल्किन ग्रुप है। क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट गिव्स। आपको ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन में, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्शन बी है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, सी दिया है रेसिमिक मिक्सचर, और आपको डी दिया है इस केस में डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट ओजोनाइज़ेशन रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, व्हेन दिस कंपाउंड इज ओजोनाइज़्ड कंप्लीटली, तो कितने प्रोडक्ट आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्शन ए जीरो, बी वन, सी टू और डी दिया है फोर। अगला कंपाउंड दिया है 2 methyl buta 1,3-diene adding HBr 1 equivalent give the reaction major product। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, तीनों क्वेश्चन को, फिर अपना आंसर को चेक करो। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखिए तीनों क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। यहां पर ये कार्बन एसिमेट्रिक है इसलिए कंपाउंड ऐसा है अभी ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर एक एच है, एक मिथाइल है, एक एल्किन ग्रुप है, एक अल्काइन ग्रुप है। तो कार्बन कैसा हुआ, कार्बन है पर है काइरल। यहां पर कार्बन एटम कैसा है एसिमेट्रिक और काइरल, इसलिए कंपाउंड कैसा है इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब होता क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में अल्काइन का रिडक्शन होता है, अल्काइन का रिडक्शन हुआ पार्शियली, तो क्या देगा अल्काइन में क्या होता है ऑन एडिशन रिएक्शन वी गेट सिस अल्किन, तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पर सी सी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, पे मिथाइल सेम ही रहेगा, यहां पर एच भी सेम रहेगा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ इस केस में, जो अल्काइन था दैट अल्काइन बिकम एल्किन ग्रुप, और कैसे हुआ बाय सिनेडिशन। यहां पर ऑलरेडी आपका अल्किन ग्रुप था ही इसमें, और यहां पर भी क्या दिया था हमारे पास एल्किन था सिस ग्रुप में, यहां पर CH3 और ME एक ही बात है। तो अब क्या हुआ इस केस में, प्रोडक्ट तो आपका बना इसमें, इस प्रोडक्ट में क्या है, अब ये कार्बन यहां पर एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये जो ग्रुप क्या हो जाएंगे सेम, CH3 मींस मिथाइल एक ही बात है, CH3 मिथाइल। अब ये दो ग्रुप सेम होगा इस केस में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करने पर हमारे ये दो ग्रुप सेम होने पर क्या होगा, कार्बन इज नो मोर काइरल, यहां पर जो कार्बन एटम दिया काइरल नहीं होगा इसमें, तब क्या होगा कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट ओजोनाइज़ेशन रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, तो इसमें क्या क्या कंपाउंड प्रोडक्ट आ सकते हैं,
व्हाट इज द आंसर? आपने अपना आंसर मैच किया? देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पहले प्रोडक्ट लिख लीजिए रिएक्शन में, पहले प्रोडक्ट लिखो रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या कहेंगे? अगर मैं लिखता हूं प्रोडक्ट तो मैं इस स्पेस को खाली करता हूं, व्हेन दिस कंपाउंड इज ओरिजिनलाइज्ड क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड यहां ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड यहां ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड यहां ब्रेक करेंगे। देखिए होता क्या है एल्किन के केस में, अगर मेंशन नहीं है कि हमारा रिएक्शन किस टाइप का है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, दिस रिएक्शन कैन बी आइदर ऑक्सीडेटिव और वी कैन हैव रिएक्शन रिडक्टिव। कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम एल्किन में क्या अज्यूम करते हैं, दिस इज टेकन द एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव मींस पॉसिबिलिटी रिएक्शन विद ओजोन देन रिडक्शन विद जिंक H2O, दिस रिएक्शन विल बी देन कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो क्या होगा इसमें, एक तो कंपाउंड देगा CH3CHO, इनफैक्ट इसका दो मोल बनेगा, अगर मैं लिखता हूं एक यहां से भी देगा प्लस ओ सी एच, यहां पर CH3, यहां पर एच, यहां CHO। अब क्या है इस केस में प्रोडक्ट बनेगा आपका, इनफैक्ट आप ध्यान से देखें तो आपके इसके भी दो मोल बनेंगे, कंपाउंड सेम टाइप का दिखेगा, और इसमें कंपाउंड कैसा है, इसमें कार्बन कायरल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम एक और ड्रॉ करते हैं तो वो आएगा फिर से सी टाइप का कंपाउंड ओ सी एच, यहां पर हमारा एच आउट ऑफ प्लेन है, सी एच थ्री बिलो द प्लेन होगा, बट कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा इस केस में, क्योंकि इस केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट लगता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते थे, यहां तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहां पर जो कार्बन एटम दिया है वो कायरल नहीं है। क्यों कायरल नहीं है, क्योंकि यहां पर दो ग्रुप CHO सेम है, यहां पर भी सेम बात है, तो यहां पर दो ग्रुप सेम होने पर क्या है, कार्बन इज नॉट कायरल। अगर कार्बन एटम कायरल नहीं होता है तो क्या हुआ, कंपाउंड कैसे हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक हुआ ये हमारा एग्जांपल, तो क्या होगा सब कंपाउंड्स में क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो व्हाट इज आंसर, ए, वी हैव जीरो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अरे क्लियर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, यहां पर एक एडिशन रिएक्शन है, 2-methyl-butyl-1,3-diene एडिंग HBr 1 इक्विवेलेंट। तो यहां पर क्या होता है, 1,4 एडिशन फॉलो करेगा टू गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उस केस में प्रोडक्ट का भी स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। इस केस में हमारा एल्किन कैसा है, इस केस में हमारा एल्किन है अनसिमेट्रिकल, तो अगर हमारा एल्किन होगा अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट आपको बनेगा यहां पर, बट कैसे प्रोडक्ट बनेगा इस केस में देखते हैं बना के। पहले क्या होता है, इसमें दो पॉसिबिलिटी होगा, तो हमको पहले स्टेप में क्या बनाना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म मोर स्टेबल एलाइलिक एज वेल एज टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस कैन टेक एच प्लस। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन सी एच, यहां पर सी एच टू आएगा। अब क्या होगा इस केस में, बाय रेजोनेंस वी गेट दिस प्रोडक्ट सी सी एच थ्री सी एच सी एच टू प्लस, फिर यहां पर एडिशन हुआ बी आर नेगेटिव आइन का, वो अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कहेगा सी एच थ्री सी एच थ्री डबल वन सी एच सी एच टू बी आर, ये आएगा हमारे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। जब कभी भी क्या होता है, हमारा कार्बन कैसा है, मतलब एल्किन हमारा डाइइन अनसिमेट्रिकल है, तो पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है, पहले स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, उसके बाद रेजोनेंस क्या करते हैं। ये प्रोडक्ट क्यों होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इस केस में जो एल्किन बनेगा उसमें क्या होगा मोर हाइपर कंजुगेशन, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा इसका स्टेबिलिटी अधिक होगा, सो इन द रिएक्शन बिकम मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए हम दो तीन क्वेश्चन और करेंगे फिर ये टॉपिक बाइंड अप करते हैं इसके बाद। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूं, एन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दिया है C6H10 गिव्स एसीटोन एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस इन विच क्यू इज एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यू इज एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका रिएक्शन सीक्वेंस दिया है, कंपाउंड पी का फॉर्मूला दिया है C6H10, स्टेप 1 दिया है रिएक्शन विल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट। अगला स्टेप है रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एथेनॉल। थर्ड एसिडिफिकेशन, क्यू बनेगा, क्यू का रिएक्शन किया हमने कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एलिमिनेशन, फिर ओजोन, फिर जिंक वाटर। तो ये आपको दे रहा है 2 moles दिया है प्रोडक्ट का एसीटोन का, इट विल 2 moles ऑफ एसीटोन। अब क्वेश्चन पूछा है, आंसर द फॉलोइंग 2 questions ऑन दिस कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। कंपाउंड पी इज व्हाट? ऑप्शन ए दिया है hex 1-ion, ऑप्शन बी दिया है hex 3-ion, ऑप्शन सी दिया है आपका स्ट्रक्चर है CH3 whole twice CH C triple bond C CH3, और आपका डी दिया है CH3 whole thrice C C C triple bond CH। क्वेश्चन 2 दिया है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्यू, अब CH3 CH CH3 CH OH CH2 CH3, फिर बी दिया है CH3 whole thrice C CH OH CH3, दिया है CH3 whole twice CH CH2 CH OH CH3, और आपका दिया है 3 hexanol hexane 3 all। तो आराम से आप दोनों क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, अपना ट्राई कर लो एंड देन चेक सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। लेकिन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमको देखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। हम सोचेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में कि इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा। बिफोर दिस कंपाउंड इज अंडर डिहाइड्रेशन, तो हम क्यू से सोचते हैं कि क्यू आपका सपोज पी कंपाउंड से हमने क्यू बनाएंगे फाइनली, क्यू से पहले बनाते हैं लेट से ए, ए से हमारा क्यू सॉरी क्यू बनाएंगे हम, क्यू से हम बनाएंगे पहले ए और फिर ए से हम बनाएंगे प्रोडक्ट एसीटोन। तो अगर आप ए हम मान लिया हमने अपनी तरफ से भी कोई कंपाउंड हो सकता है जिसका रिएक्शन किया ओजोन से, फिर जिंक और वाटर से। हमको इस पॉइंट को पकड़ना है इस क्वेश्चन में कि ये कंपाउंड बनाने के लिए क्या एल्किन होगा। आप पढ़े हैं रिएक्शन एल्किन का कि व्हेन एल्किन्स आर ओजोनाइज्ड दे गिव एल्डिहाइड्स इन द रिएक्शन एज प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्शन दिया भी है रिडक्टिव रिएक्शन। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, ए क्या होगा इस केस में, देखिए इस कंपाउंड से बनेगा प्रोडक्ट एसीटोन। इसका मीनिंग क्या है, ए आपका होना चाहिए था कोई सिमेट्रिकल टाइप का एल्किन। अब ये कहां से बनेगा, ये कंपाउंड क्यू से बनेगा, तो क्यू को आपको सोच सकते हैं इस लाइन से। तो इसका मीनिंग क्या है, कार्बन चेन यहां पर जो प्रोडक्ट में स्ट्रेट लाइन तो हो सकता नहीं है, स्ट्रेट चेन पॉसिबल नहीं होंगे, दोनों ही अप रास्ते हैं, बचेंगे ऑप्शन सी और डी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को सोचिए सॉल्व करिए। एक होता है एलिमिनेशन, ये हमारे ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, इनको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर हमारा कोई भी रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट के अंदर ब्रांच आ रही है, इसके लिए स्ट्रेट चेन में कोई भी इस टाइप का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। इन सच काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन व्हेन दे फॉर्म कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के दे कैन फॉर्म ब्रांचिंग। तो आपका ये दो तो पॉसिबल होंगे नहीं, केवल ये दो कंपाउंड पॉसिबल है इस रिएक्शन में। अब हमको बनाना क्या है, एसीटोन। देखिए अगर हमारे पास, अब इन दो ऑप्शंस को सोचते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को, इन दोनों के अंदर अगर हम सोचेंगे पॉसिबिलिटी है ब्रांच लगा हुआ है, एसीटोन का पॉसिबिलिटी हो सकता था इन दोनों के अंदर। अगर हम कंपाउंड सी सोचते हैं तो क्या हुआ, पहले हमारा जब रिएक्शन कराएंगे इस कंपाउंड का ऑन रिडक्शन, देखो यहां पर क्या है एल्काइन तो होगा ही, क्योंकि आपको हिंट दिया है इस रिएक्शन में, एल्काइन से क्या बनता है कीटोन बनेगा और aldehyde बनेगा नहीं, because water will add in alkyne according to Markovnikov rule। तो इस केस में no formation of aldehyde, ketone से बन सकता है। अब दो ketone possible होंगे, दोनों में ketone बनेगा, यहाँ पर दो ketone possible हैं, यहाँ भी अस्थायी keto group, यहाँ भी अस्थायी keto group, enol बनने के बाद पहले enol बनता है और फिर क्या होता है enol will tautomerize, पहले enol बनता है, enols can tautomerize तब ketone बनते हैं। हमने इसका रिएक्शन पढ़ा था alkyne का हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो इस केस में अगर हमको प्रोडक्ट सोचना है तो ये दो पे हम सोच रहे हैं पहले। अगर हम सोचते हैं इस केस में हमने कीटोन, दो कीटोन पॉसिबल होंगे यहां पर भी और यहां पर भी, तब क्या हुआ इसमें मिक्सचर प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। सेकंड क्या होगा, अगर रिडक्शन किया मान लो हमने कीटोन बनाया यहां पे, तो यहां पर रिडक्शन है कीटोन से अल्कोहल आएगा, फिर क्या हुआ इसमें व्हेन अंडरगो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, तब क्या होता है दे विल फॉर्म फर्स्ट सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फर्स्ट दे कैन फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड देन दे कैन फॉर्म ए टर्शियरी कार्बोकैटायन। अगर मैं सी दिखाता हूं आपको कि CH3 CH3 CH, फिर यहां पर
पहले हमने ऐड किया आपका जो है इसमें क्लोरो आपका यहां बनाया सपोज, तो CH2CH3 बनेगा, ए कंपाउंड सी से बनेगा, पहले रिडक्शन किया तो क्या बनेगा, रिडक्शन करने पर सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो CH3 HCHOH CH3, इसमें CH2CH3। फिर क्या होगा इसमें जब हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या होगा इसमें, देखन है माइग्रेशन ऑफ ओनली वन साइड मींस फर्स्ट दे विल टेक एच आयंस, क्या बनेगा कार्बन कोटाइंस में CH3CH CH3 CH plus CH2CH3, और फिर क्या होगा इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर, तब क्या होता है इस केस में दे कैन फॉर्म वन साइड टर्शियरी कार्बन कोटाइन, और फिर क्या होगा एलिमिनेशन के बाद दिस काइंड ऑफ रिएक्शन फाइनली कैन गिव प्रोडक्ट ये वाला। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ तो कीटोन बनेगा बट सेकंड साइड कीटोन बनना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा रूल्ड आउट हो जाएगा। समझ में आ गया सीएच ने क्यों किया रूल्ड आउट इस रिएक्शन में, क्योंकि एक तरफ तो कीटोन बन जाएगा एसीटोन, और यहां पर भी हमने दो पॉसिबिलिटी में से एक ही पॉसिबिलिटी को अज्यूम किया था, क्या पॉसिबिलिटी की अगर हमने कीटोन यहां पर नहीं बनाया उस केस में तब हमारा ये प्रोडक्ट एक तरफ हमने कीटोन, अगर हमने अटैक किया होता इस तरफ ऑप्शन जिसमें भी हमारा ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं इसके मैकेनिज्म के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो की पॉइंट था ए के बारे में, ए हमारा इस टाइप का एल्कीन चाहिए हमको, तभी हमारे पास ये क्यू से बनेगा, तो इसलिए हम सोचते हैं डी ऑप्शन के बारे में। डी में देखिए कैसे पॉसिबल होगा CH3 CH3 CH3, पहले क्या हुआ हमने जब हाइड्रेशन किया तो यहां पर H यहां पर OH एंड देन टॉटोमेरेज तो आपका ये कीटोन आएगा, रिडक्शन किया हमने NaBH4 से तो क्या देगा, रिडक्शन करने के बाद इस रिएक्शन में हमारा आएगा इसमें एक एल्कोहल आएगा CHOH CH3, और फिर क्या है इस एल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन किया, ऑलरेडी हमने पढ़ा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एच आयंस, डिहाइड्रेशन में आपको क्या बनेगा प्रोडक्ट है, पहले हम बनाएंगे इस केस में पहले सेकेंडरी कार्बोकोटाइन, फिर होगा मिथाइल शिफ्ट तो यहां पे बनेगा टर्शियरी कार्बोकोटाइन, फिर होगा एच का एलिमिनेशन, दिस कैन गिव द कंपाउंड ए, तो ये हमारा कंपाउंड ए बनेगा। इसका मीनिंग यहां पर एल्कोहल क्या बन सकता था रिडक्शन करने के बाद एसिडिफिकेशन पर, ये कंपाउंड क्यू हमारा होना चाहिए, क्यू से हमारा ये एल्कीन बनेगा एंड देन दिस एल्कीन इन द रिएक्शन ओजोन फॉलोड बाय जिंक H2O द रिएक्शन अगेन बिकम हियर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन, तो क्या प्रोडक्ट में एसीटोन इज द ओनली प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इसका मीनिंग हमारा ये तो कंपाउंड होगा हमारे पास पी का मीनिंग क्या होगा, एक तो पी बन गया तो क्यू क्या होगा इस केस में, इस टाइप का टर्शियरी अल्कोहल जिसमें CHOH होना चाहिए, तो अगर हम सब ऑप्शन देखें यहां पे एक एच है नहीं हो सकता, तीनों CH3 ग्रुप है CHOH ऑप्शन बी, और तो कोई आपका पॉसिबिलिटी नहीं है इस टाइप का कंपाउंड बनने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पहले हमको सोचना पड़ेगा, देखिए इसमें क्या होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप ट्राई करो एक पॉइंट को पकड़ने का कि हाँ श्योर हो जाओ कि हाँ ये हमारा पक्का होना है, अगर एक बार आप श्योर हो जाएंगे फिर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत कम टाइम में आराम से हो सकता है। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन और करते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी का हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे जब ऑर्गेनिक खत्म होने, बिकॉज अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं बीच बीच में उनमें क्या होता है काफी सारे रिएक्शन इन्वॉल्व हैं अगले टॉपिक्स की, लाइक रिएक्शन ऑफ एल्कोहलाइड्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स, एसिड डेरिवेटिव, तो वो रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होंगे, इसलिए मैं अभी वैसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये हम एक बार ऑर्गेनिक खत्म करने के बाद हम एडवांस के लिए स्पेशल सेक्शन रखेंगे जिसमें कि हम एटलीस्ट एक अच्छे लेवल के कम से कम क्वेश्चन करेंगे इसमें अराउंड 10 to 12 hours जिसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे एडवांस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अगेन दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है,
इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, एक कंपाउंड जो है C8H6, इसका रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट कंपाउंड देगा C8H8, इसमें पहला स्टेप है B2H6, देन सेकंड स्टेप H2O2NaOH वाटर कंपाउंड देगा X। यहां पर दिया है सेकंड सीरीज वाटर से रिएक्शन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्करी सल्फेट, यहां पर हमको दिया प्रोडक्ट C8H8O। फिर इसका रिएक्शन क्या है, ETMGBr इथाइल ETS इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर से ट्रीट किया बाद में, फिर HN के प्रेजेंस में हीट किया तो कंपाउंड बनेगा Y। आपको बताना है इसमें से कंपाउंड X क्या है बेसिकली और कंपाउंड B क्या हुआ, ये आपके दो बिट्स इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन थोरली पढ़िए, ट्राई करिए एंड देन चेक आंसर। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन बार, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप अगर सोचेंगे तो आपको दिखेगा आराम से, ये रिएक्शन हमने पूरा पढ़ा है, इसमें एक रिएक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा बट वो भी डिफिकल्ट टाइप का नहीं है। देखो पहला क्या होगा, ऑप्शन को आप थोड़ा मैच कर करिए क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले से बहुत से पॉसिबिलिटीज आपके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सा हो सकता है। यहां पर क्या होगा, C8H6 है, इसका मीनिंग ये आपको दिया है पैलेडियम बेरियम सल्फेट है, हाइड्रोजन ऐड किया हमने C8H8, इसमें केवल दो एटम हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये कोई एल्किन होगा और कैसा एल्किन होगा, सिस टाइप का एल्किन होगा, कैसा एल्किन होगा, सिस टाइप का एल्किन होगा। फिर यहां पर हमारा रिएक्शन कैसा है, B2H6H2O2NaOH वाटर, तो ये रिएक्शन कौन सा दिया है, एल्किन में हमने ऐड किया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन कैसा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और क्या हुआ इस में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर ऐड होता है एल्किन पर, एल्किन का पॉसिबिलिटी है, वाटर ऐड हुआ एल्किन पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्गनोव रूल विदाउट कार्बन चेन रीअरेंजमेंट। तो एक आपको सीक्वेंस मिलेगा वहां से, तो अल्कोहल पॉसिबिलिटी होगा इसमें एक्स का, अल्कोहल कैसा हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल टाइप का पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर हम इसको भी सोचें इन ऑप्शन को देखते हुए, जो ऑप्शन सबसे बेटर लगता है हमको है वो हो जाएगा हमारे पास ये वाला अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल प्राइमरी है। देखो इसमें क्या है, पीएच तो सब में कंपल्सरी है, पीएच सब में कंपल्सरी है, बेंजीन रिंग, अगर सब में बेंजीन रिंग कंपल्सरी है तो क्या बचता है उसके बाद, बेंजीन में कितना आपका दिया है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इस कंपाउंड में अगर हम निकालते हैं C8H6 हैव हाउ मच डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर कंपाउंड टू बी एल्केन, कितना एच होना रिक्वायर्ड है, C8H16+2 18-6 12/2 6 DB आएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसमें एक बेंजीन रिंग तो कंपल्सरी है, फिनाइल रिंग विच आर 4 DB प्लस दिस कंपाउंड है वन एक्स्ट्रा 2 DB मोर, दैट 2 DB कैन इंडिकेट इन दिस केस द बेस्ट ऑप्शन 8 ट्रिपल बॉन्ड, दो ही कार्बन बचेगा उसके बाद में, तो दो कार्बन का मीनिंग क्या है, कंपाउंड आपका जो ये पॉसिबिलिटी होगा बेंजीन रिंग होगा इसमें और साथ में क्या होगा C CH, ये हमारा कंपाउंड पॉसिबल होगा। इसके थ्रू हम दोनों रिएक्शन को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले क्या देगा हमारे पास, लेट्स कंप्लीट द सीरीज फॉर एक्स, हमने इसमें ऐड किया एच, इसको मैं यहां लिख देता हूं C CH, इसका हमने रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्या होता है इसमें रिडक्शन इज पार्शियल और एल्किन देगा सिस टाइप का, CH2 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा C8H8। फिर इसका रिएक्शन हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहां पर H यहां पर OH, pH CH2 CH2 OH, इन सब ऑप्शन में देखते हुए ऑप्शन C आएगा हमारा आंसर कंपाउंड X के लिए। ये हमारा एक हिंट भी है, देखिए कई बार क्या होता है कि स्पेशली एडवांस क्वेश्चंस में आपको आइडिया लगता नहीं कि कंपाउंड क्या हो सकता है, कि बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन को देख के आप ट्राई करो मैच करने का कि कौन से ऑप्शन हमारे फिट होंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आंसर रिक्वायर्ड होता है। अप्रोच कैसे सेट करिए, बाद में लॉजिक तो आपको चाहिए डेफिनेटली इसमें। ये हमारा एक सीरीज हुआ एक्स के लिए, अब आते हैं वाई के लिए, कंफर्म है कि ये हमारा एक्स हुआ। अब यहां पर भी ये इंडिकेट कर रहा है जो रिएक्शन सीरीज है वाटर का रिएक्शन अलोंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्करी सल्फेट, ये क्या बताता है, इट इंडिकेट कंपाउंड टू बी अल्काइन। तो अल्काइन में क्या हुआ, इसमें हाइड्रेशन रिएक्शन है, तो क्या हुआ हाइड्रेशन रिएक्शन पर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्करी सल्फेट क्या देगा प्रोडक्ट, पीएच कीटो मिले आपका देगा ना, यहां पर OH, यहां पर CH मतलब H,
तो दिस इज इनॉल स्ट्रक्चर, इज इनॉल विल टॉटोमराइज टू कीटो फॉर्म पीएच सीओ सी एच थ्री, ये हमारा कीटोन आएगा इसमें पहले स्टेप में। अब लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको और देखना है, ये बन गया हमारा ये वाला कंपाउंड है इंटरमीडिएट। अब इसमें हमने रिएक्शन किया ईटी एमजीबीआर, यहां पे क्या होता है ईटी नेगेटिव आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन हुआ इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर एड हुआ ओ माइनस एच लेगा वाटर से, तो पहले क्या देगा आपको प्रोडक्ट पीएच, सी पे हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच होता है इथाइल ग्रुप, यहां पर ओ माइनस में ओएच हो जाएगा और यहां पर सी एच थ्री, ये हमारा बनेगा इस स्टेप के बाद। फिर यहां पर हीट किया एच एन के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ हीट करने पर वी गेट प्रोडक्ट हैविंग कंजुगेशन, तो यहां पर क्या हुआ एज पर स्टेट्स एंड रूल द प्रोडक्ट बेस्ट पॉसिबल कैन बी टेकन पी एच सी सी एच थ्री सेम रहेगा और यहां पर डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, दिस कंपाउंड इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर वाई। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं वाई के लिए कि क्या क्या ऑप्शन यहां पर पॉसिबल होंगे, तो उनके हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो होगा हमारा ऑप्शन डी, कि पी एच सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री। तो ऐसे अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप आराम से सोच सकते हैं, यहां पर जो एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में और डिटेल में, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक फिलहाल क्लोज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये एडवांस थे, कुछ क्वेश्चन कराए थे प्लस कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी थे इसमें, उनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है।